जिला खनिज फाउंडेशन की बैठक में तवज्जो नहीं दिए जाने से विपक्षी दल के विधायक सांसद की नाराजगी खुलकर सामने आ गई है। भाजपा विधायक ने इस बात पर आपत्ति जताई कि बैठक के लिए बुलाते हैं लेकिन अधिकारी एजेंडे की जानकारी नहीं देते। उन्हें यह तक नहीं बताया जाता कि कौन से काम स्वीकृत हुए हैं। यही वजह रही कि डीएमएफ की बैठक को लेकर भाजपा के सांसद विधायक की नाराजगी सामने आई। डीएमएफ शासी परिषद की बैठक शनिवार को प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे की अध्यक्षता में हुई। बैठक की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि अनेक मुद्दों पर चर्चा हुई, कई एजेंडों पर सुझाव पर सहमति भी व्यक्त की गई। इंफ्रास्ट्रक्चर व रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जनप्रतिनिधियों की मांगों को कार्य योजना में शामिल किया गया। उन्होंने कहा कि पिछली बार भी निर्णय लिया गया था कि कोविड के चलते जितनी भी आवश्यकताएं होंगी उसे डीएमएफ से पूरा किया जाएगा। 6 स्थानों पर ऑक्सीजन प्लांट लगाना पड़ेगा जिसमें जरूरत के हिसाब से मैन पावर की स्वीकृति दी गई है। डीएमएफ की शेष राशि जनप्रतिनिधियों से लेकर विकास कार्यों की सहमति व स्वीकृति दी जाएगी। डीएमएफ की बैठक से अनुपस्थित रहे विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने अधिकारियों पर निशाना साधते हुए कहा कि बैठक के लिए जो एजेंडा भेजते हैं उसमें डिटेल्स नहीं भेजते हैं, इसलिए वह डिटेल्स अधिकारी भेजे। विधायक इसलिए भी नाराज हैं क्योंकि बिना उनकी जानकारी के कुछ काम उनके विधानसभा में स्वीकृत हो गए हैं, इसलिए उनकी जानकारी में काम होना चाहिए। आयोजित किया गया था, पिछले बार भी जब बैठक हुआ था तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो माननीय जनप्रतिनिधियों की जो मांगे थी उसको कार्य योजना में शामिल करने का आज निर्णय लिया गया। दूसरा, पिछली बार भी हम लोगों ने निर्णय लिया था कि कोविड के चलते जितनी भी आवश्यकताएं होंगी उसको डीएमएफ से पूरा किया जाएगा और लगभग 6 जगहों में ऑक्सीजन प्लांट में जितने मैन पावर की ज़रूरत है, और आज माननीय धनेन्द्र साहू जी ने कहा कि उनके नया पारा में भी एक ऑक्सीजन प्लांट और लगाना पड़ेगा, उसमें मैन पावर की ज़रूरत होगी, उसको आज स्वीकृति दी गई। इस बात का भी निर्णय लिया गया कि जो शेष राशि डीएमएफ का आने वाले समय में आएगा तो माननीय जनप्रतिनिधियों से लेकर के विकास के कार्यों को सहमति और स्वीकृति तो दी जाएगी, लेकिन जिस थर्ड वेव की संभावनाओं के बारे में लगातार चर्चा हो रही है तो सभी माननीय जनप्रतिनिधियों ने एक स्वर से निर्णय लिया कि थर्ड वेव के लिए जो ज़रूरत होगी, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो, चाहे ह्यूमन रिसोर्स के लिए हो, चाहे मैन पावर के लिए हो या और किसी अन्य मद के लिए हो, उसकी भी सहमति और स्वीकृति आज के कार्य योजना में शामिल किया गया।